हम डुमरसोता पंचायत के लोगों से सिर्फ हमारा यही अपील है कि जहाँ भी मतदान हो, जहाँ भी वोट पड़े, वो एक सही जगह पर पड़े। हमारा क्रम संख्या 12 है और आटा चक्की जाता छाप हमको मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी गढ़वा दृष्टि से आप समस्त लोगों को इस चुनावी यात्रा में स्वागत है। आइए, आज हम कांडी प्रखंड के डुमरसोता पंचायत में आए हुए हैं, जहाँ से हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे मिलकर जानते हैं क्या है इनके चुनावी मुद्दा। क्या नाम है आपका? मैं शशांक शेखर। क्या आप क्यों अपने पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं, इसके बारे में क्या आपकी मतलब मुद्दा क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले है कि दो बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ। कोविड काल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टाल दिया गया। टोटल 12 साल हुआ, आने वाला और 5 साल, कुल मिलाकर के 17 साल होता है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर के 17 साल में मैट्रिक पास करता है। जिस तेजी से उस बच्चे का विकास होता है, उसी तेजी से हर पंचायत हर गांव का विकास होना चाहिए। लेकिन हमारा गांव 12 साल में कोई भी योजना, कोई भी गरीबों का मदद करना, वो धरातल पर नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार सभी पंचायत में है, उसी प्रकार से मेरे भी पंचायत में। हम चाहते हैं कि जिले भर में प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय डुमरसोता पंचायत का ऐसा नाम हो कि एक भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, एक प्रतिनिधित्वकर्ता ऐसा होना चाहिए, गरीबों की पहली प्राथमिकता रखे, गरीबों के साथ खड़ा होकर के काम करे, उनके मुसीबत में हमेशा साथ रहे। इस उद्देश्य के साथ, इस सोच के साथ, क्योंकि अभी हम युवा हैं, हम अगर के अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे अपने पंचायत के लिए, एक तो मेरा गांव है, हम सबसे पहले चाहेंगे कि पहले गांव को मजबूत करेंगे, उसके बाद शहर की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। तो जनाधार बरकरार रहना चाहिए। तो मजबूरी यह है कि हमको काम करना अच्छा ही होगा, इसलिए हम काम करने के लिए निस्वार्थ भाव से आए। तो क्या आपके विकास की क्या एजेंडा है? देखिए, हमने घोषणा पत्र में लिखा है साफ साफ कि शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, किसानों के मुद्दे तक, युवा बेरोजगारी तक का मैंने मुद्दा उसमें शामिल किया है। जब जनसंपर्क के माध्यम से जब लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जब आप लोगों का आशीर्वाद मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, इस घोषणा पत्र को जिस प्रकार से जमीन के कागजात अपने फाइल में लेमिनेशन करा के रखते हैं, उसी प्रकार से इस घोषणा पत्र को लेमिनेशन करा के रखिए, क्योंकि आने वाला आशीर्वाद मिलने के बाद 3 साल बाद आप प्रतिनिधि एक मुखिया पर उंगली उठा करके बात करेंगे कि आप इस योजना को धरातल पर क्यों नहीं लेकर के आए। तो तय करना है कि एक मुखिया को जूता का माला पहनना है या फूल का माला पहनना है, ये तय हमको करना है। इस प्रेशर में होकर के हमको काम करना है। तो हम चाहेंगे कि हम फूल का ही माला पहने, तो हम चाहेंगे कि विकास का एक नई लकीर खींचे अपने गांव और पंचायत, यही हमारा एजेंडा है। अच्छा अच्छा, अगर डुमरसोता पंचायत की जनता अगर आपको इस पंचायत से मुखिया पद के लिए चुन लेती है, तो आगे आपकी विकास कार्य कैसे अपने पंचायत को जिले में नाम रोशन करेंगे, इस तरह के कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए। दूसरा, हमने डाल के रखा है कि हर वर्ष में, मतलब 3 महीना 4 महीना में एक कैंप के माध्यम से, कृषि हमारे यहाँ कृषक ज़्यादा है, 95% गांव में कृषक है जो कि अपने फसल पर आश्रित है, तो उन तक क्या लाभ पहुँचना चाहिए। जैसे सब्सिडी के माध्यम से बहुत सारा ऐसा आधुनिक यंत्र आता है और उन तक पहुँच नहीं पाता है, इसलिए प्रतिनिधित्वकर्ता जो मुखिया होता है पंचायत को, उसको यह जानकारी होना चाहिए कि किसानों को हम कैसे लाभ पहुँचाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि आवास, पेंशन, विकलांग सर्टिफिकेट, उनको आवास दिलाना, ये सारा कुछ जो भी है, हम कैंप के माध्यम से उसको हम धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि कोई भी बुजुर्ग है, गरीब है, परिवार है, वो साइन करा तो लेता है, उसके बाद वो दर दर भटकते रहता है ब्लॉक में। वो वर्क हमारा होगा कि हम उनको ब्लॉक तक जाने देंगे, बल्कि पंचायत भवन और ग्राम से बढ़ करके उनको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी पंचायत में उनका अपना जो भी योजना का लाभ होगा उनको मिलेगा। बजाबते उनको हम फोन के माध्यम से सूचना भी देंगे कि आपका ये योजना हो चुका है, स्वीकृति हो चुका है। फिर है नीलगाय की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हाँ। तो हम चाहेंगे कि सरकार से, अधिकारियों से आग्रह करके, पहले तो कि फॉरेस्ट विभाग से बात करके, अधिकारियों से बात करके, जो फसल बर्बाद हुआ है उनका मुआवजा दिलवाना। दूसरा कि किसान अभी देख रहे होंगे कि जगह जगह जो सब्जी उगाते हैं वो घेरावा करते हैं लाखों रुपये खर्च करके। सरकार से हम आग्रह करेंगे, अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि भाई उसमें सब्सिडी दें, अनुदान दें, अनुदान है ना। और आगे है बालू की कालाबाजारी। मेरे पंचायत में आवास के नाम पर 1,35,000 आता है, 15,000 घूस लग जाता है, 25,000 बालू में लगता है, तो 1,200-1,500 रुपये ट्रॉली के माध्यम से हम लोग को बालू मिलता है, जबकि मेरे ही पंचायत से बालू उठता है।
और दूसरे पंचायत में जाता है, हम चाहेंगे उसको उस पर रोक लगे। पुलिस प्रशासन कौन होता है ये तय करने वाला कि बालू जाएगा नहीं जाएगा, कौन ढोएगा क्या करेगा, तो इसलिए संलिप्तता जो है इसको हम खत्म करना है। अच्छा। फिर है कि हमारे यहाँ एल&T कंपनी जलापूर्ति योजना में काम कर रही है। अच्छा। बेंगलोर कर्नाटका के लोग यहाँ पर आकर के मेरे पंचायत में काम कर रहे हैं, हमारे लोग बेरोजगार हैं, हम उन पर बात करके अधिकारियों से बात करके सभी लोगों से बात करके बोल रहे हैं कि भाई एल&T कंपनी में सबको जो है सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इस पर हम लोगों को काम करना है। फिर है शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना। देखिए किसी भी गांव टोला शहर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना। शिक्षा पर हमने निर्णय लिया है कि छोटे बच्चों जब बेस मजबूत होगा तो घर भी मजबूत होगा, इसलिए छोटे बच्चों को मजबूत करना जरूरी है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए हमने निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रखा है। और दूसरा है स्वास्थ्य सेवा। अधिकारी तय करते हैं कि 15,000 का गांव में डस्टबिन की आवश्यकता है अथवा नहीं है, वो तय ग्रामीण जनता को चाहिए करना चाहिए, प्रतिनिधित्व करता को जान करना चाहिए, ये ना कि जिसमें ज़्यादा कमीशन हो उस योजना को हम धरातल पर लाएंगे, ये काम नहीं करना है। और 2,000 का चीज़ 15,000 का बिल बना करके निकालना, कमीशन बिचौलिया खा जाते हैं, तो उस 15,000 को जितना डस्टबिन लगा है उस सब चीज़ को जो हमको ज़रूरत लगे उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। और स्वास्थ्य सेवा में हम कह रहे हैं कि 24 घंटा के लिए एक फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस का व्यवस्था हम करेंगे। ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर हमको मजबूत होकर के काम करने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना चुनाव चिन्ह और क्या कर्म संघ क्या है और क्या आप डुमरसोता पंचायत के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? देखिए आने वाला आगामी 27 मई को मतदान होने जा रहा है, जब भी हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों को हम जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हम कहते हैं एक तो प्रत्याशी होने के नाते हम तो वोट करेंगे, लेकिन आप भी चुनाव लड़ रहे हैं या हर पंचायत के सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसलिए कि 12 साल का जो आक्रोश है, जो उनकी पीड़ा है, उनको उबाल करके हटा करके सब खत्म करके एकदम दिल से जो है मतदान करना है। जो भी प्रत्याशी सबसे बेहतर हो, 13 प्रत्याशी हमारे यहाँ हैं, जो सबसे अच्छे हों, जो शिक्षित हों, जो आपके लिए काम कर सकते हैं, जो आपके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, जो आपके साथ खड़े रह सकते हैं, उनको वोट करना है। क्योंकि जब आप मुहर लगाते हैं तो स्वास्तिक का पहचान होता है, उस स्वास्तिक से पूछना है। और 26 तारीख को रात में हर लोग रात को ज़्यादा सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, हर चीज़ के बारे में, उसी प्रकार से 27 से एक दिन पहले 26 को रात में सोचने की ज़रूरत है 5 मिनट कि कल हम जो मतदान करने जा रहे हैं, जो कल जो स्वास्तिक हम मुहर लगाने जा रहे हैं, या दिल और मन से पूछना है कि क्या हम सही जगह पर लगा रहे हैं अथवा नहीं लगा रहे हैं। हम डुमरसोता पंचायत के लोगों से सिर्फ हमारा यही अपील है कि जहाँ भी मतदान हो, जहाँ भी वोट पड़े, वो एक सही जगह पर पड़े। हमारा क्रम संख्या 12 है और आटा चक्की जाता छाप हमको मिला है। अच्छा।